लोग का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास मारुति कंपनी की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई हुई है पेट्रोल, जिसमें फ्रेंड हम लोग कंपनी चेंज करने वाले हैं। फ्रेंड हम इसका चारों व्हील जो है उसका व्हील ओपन करेंगे, उसका ब्रेक पैड का थिकनेस देखेंगे, लाइनर का थिकनेस देखेंगे, इसका व्हील सिलेंडर आता है उसको देखेंगे, जाम तो नहीं है, इसका कैलिपर का पिन में प्ले तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हम ब्रेक सर्विस में देखेंगे। इसका चारों व्हील बैरिंग भी चेक करेंगे टायर को घुमाकर, तो टायर घुमाइए, व्हील घुमा के चेक कीजिए, व्हील बैरिंग में साउंड है नहीं है, नहीं है ना, ठीक है फ्रेंड, देखिए व्हील बैरिंग में साउंड भी नहीं है, प्ले भी नहीं है, तो इसी प्रकार से हम चारों व्हील चेक करेंगे। ठीक है, इसका व्हील ओपन कीजिए और ब्रेक पैड ओपन कीजिए। एयर फिल्टर भी देखिए, एयर फिल्टर हमने बाहर निकाला है, इसको हवा मारकर क्लीन किया है, देखिए अभी फिलहाल नया ही है, इसके लिए हमने इसको रिप्लेस नहीं किया है, नहीं तो हम गाड़ी में फिट कर देंगे। ठीक है, इसका कूलेंट का ये देख सकते हैं, ये देखिए कूलेंट भी पानी जैसा हो गया है। ठीक है, तो इसका कूलेंट भी हम रिप्लेस करेंगे। इसका एसी फिल्टर चेक करते हैं फ्रेंड, हमने इसका एसी फिल्टर भी ओपन किया है, देखिए एकदम अच्छा है, कुछ हुआ नहीं है। ठीक है फ्रेंड, एकदम पूरी तरह से लाइन देखिए, एकदम पूरा क्लियर है, इसमें कुछ लाइन में चॉकअप नहीं है, तो हमने इसको हवा मार के क्लीन करके यही लगा देंगे, क्योंकि क्या है कस्टमर का जितना खर्चा बच सके उतना हमारे लिए अच्छा। पीछे का देख सकते हैं, इसका हमने पीछे का व्हील ओपन किया है, तो लाइनर को अच्छे से पेपर मारकर फिर हवा मारकर पिस्टन चेक कीजिए, सिलेंडर चेक कीजिए आगे पीछे करके, देखिए इसका सिलेंडर एकदम फ्री है। कभी भी फ्रेंड आप ड्रम ओपन करेंगे तो सबसे पहले सिलेंडर चेक कीजिएगा, सिलेंडर फ्री रहना चाहिए, नहीं तो आपका ब्रेक जाम हो जाएगा, ब्रेक लगेगा नहीं। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारा सिलेंडर फ्री है, लाइनर भी अच्छा है, अभी थिकनेस बचा हुआ है, कम से कम 70-80% है, तो इसके लिए अभी चलेगा फिलहाल, तो इसको अच्छे से हम पेपर मार के यही लगाएंगे। तो ये हमारा आगे का ब्रेक पैड है, ये देखिए आगे का ब्रेक पैड भी पूरा अच्छा है, पीछे का हमने आपको दिखाया ही, ये देखिए आगे का भी एकदम अच्छा है, तो इसको भी हम पेपर मार के और इसको पिन के ग्रीसिंग करके लगा देंगे। इसका इंजन ऑयल चेक करते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका ऑयल ख़राब है, पूरा जाड़ा हो चुका था, तो हमने इसका ऑयल भी खोल दिया है, ये देखिए हमारा ऑयल नीचे गिर रहा है। ठीक है, हमने बहुत देर से इसको खोल के रखा है, अभी देखिए हमारा ऑयल भी नहीं टपक रहा है। ठीक है, तो इसका ड्रेनेट लगा दीजिए अंसारी जी, तो इसका हमने ड्रेनेट भी लगा दिया है और इसका ऑयल फिल्टर भी देखिए हमने चेंज कर दिया, देखिए जूना वाला ऑयल फिल्टर ट्रेन में पड़ा हुआ है, नया वाला ऑयल फिल्टर इधर हमारा फिट हो चुका है, ये देखिए ये हमारा नया वाला ऑयल फिल्टर है, ये जूना वाला ऑयल फिल्टर है, हमने इसका ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस कर दिया है देखिए, और इसका हमने इंजन ऑयल भी रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा नीचे का काम फाइनल हो चुका है, और फ्रेंड हमने इसका गियर ऑयल का भी लेवल चेक कर लिया, गियर ऑयल भी इसमें बराबर है, गियर ऑयल भी थोड़ा कम नहीं है, तो नीचे का हमारा जो प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। अब हम गाड़ी को डाउन करेंगे, क्योंकि हमने गाड़ी को रैंप पे रखा है, और उसके बाद इसमें इंजन ऑयल हम डालेंगे, इंजन ऑयल डालेंगे इसका एयर फिल्टर को फिट करके, और उसके बाद इसका गाड़ी का जो वॉशिंग है, इसको गाड़ी को वॉशिंग भी करना है, वॉशिंग का काम हम चालू करेंगे। चलिए इंजन ऑयल डालिए, लेवल चेक कीजिए फ्रेंड, हमने इसमें इंजन ऑयल डाल दिया है, अब इसका गेज में लेवल चेक करेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड हमारा लेवल एकदम बराबर है, थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने इसमें इंजन ऑयल भी डाल दिया है, अभी हम गाड़ी स्टार्ट करके एक बार फिर से इसका ऑयल लेवल चेक करेंगे, अगर थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा तो फिर से हम टॉपअप करेंगे। इसका देख सकते हैं हमने एयर फिल्टर विल्टर भी लगा दिया है, इसका बैटरी का पानी ज़रा चेक कीजिए इसका, और उसके बाद से वॉशिंग करके गाड़ी गैरेज के अंदर लेके, और उसके बाद से इसका लाइट वेट चेक करेंगे, चारों पावर विंडो चेक करेंगे। ठीक है, लेवल बराबर है, लगा दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा जो ब्रेक सर्विस का प्रोसेस था, कंप्लीट सर्विस का, देखिए कंप्लीट सर्विस भी हमारा हो चुका है, चारों फोर व्हील ब्रेक सर्विस हो चुका है, चारों टायर लग चुका है, ये देखिए चारों टायर हमने लगा दिया है, इसका ऑयल ऑयल फिल्टर एसी फिल्टर एयर फिल्टर सब जो रिप्लेस करने वाला चीज़ था वो रिप्लेस कर दिया है, बाकी जो हमने हवा मार कर क्लीन करके लगाया है, देखिए इसका कूलेंट भी हमने रिप्लेस कर दिया है, ये देख सकते हैं पहले देखिए कैसा था, अभी देखिए पूरा गाढ़ा है एकदम कूलेंट, इसमें हमने कूलेंट भी रिप्लेस कर दिया है, कूलेंट भी पूरा पतला हो गया था,
ठीक है फ्रेंड। तो अब हम इसका वॉशिंग का काम चालू करेंगे और वॉशिंग करके फिर गैरेज के अंदर हम गाड़ी लेंगे, क्योंकि हमने इसको रैंप पे लिया है वॉशिंग करने के लिए। फिर गैरेज के अंदर लेकर इसका जितनी भी सारे लाइटें आती है लाइट चेकिंग करेंगे, और उसके से चारों पावर विंडो चेक करेंगे, मिरर चेक करेंगे, और चारों डोर को ग्रीसिंग करेंगे। ग्रीसिंग करके फिर गाड़ी फाइनल करके कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे। तो ये हमारी डिजायर देखिए वॉशिंग होके अंदर हमने ले लिया है। अब इसका अंदर से क्लीनिंग चालू है, फुल वॉश हो चुका है हमारी गाड़ी। देखिए अंदर से क्लीनिंग चालू है, सीट वीट को थोड़ा अच्छे से साफ अप कर रहे हैं। तो पूरी तरह से इसको क्लीन करके और फिर इसका लाइट चेकिंग कर लेंगे। लाइट चेकिंग करने के बाद हमारा गाड़ी ओके हो जाएगा। लाइट चेकिंग करेंगे, चारों डोर में ग्रीसिंग करेंगे। देख सकते हैं अंदर से कितना पूरी तरह से क्लीन चकाचक किया गया है। फ्रेंड हमारे पास यहाँ बैटरी में जेली भी लगा के दिया जाता है, ताकि जो बैटरी का टर्मिनल है उसमें कार्बन वार्बन ना पकड़े, रस वस ना पकड़े। ठीक है, इसी प्रकार से चारों डोर में लगा दो। तो हमारा इसका सारा जो भी हमने बोला था कंप्लीट से सब कुछ काम हो चुका है, सिर्फ लाइट चेकिंग बाकी है। तो हम एक बार लाइटिंग चेकिंग कर लेते हैं। तो आगे जाइए, लाइट देखिए। हाँ चालू है, चालू है, चालू है, हाँ पावर विंडो। तो आज का हमारा ये वीडियो था कंप्लीट सर्विस का। ये कंप्लीट सर्विस में हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या रिप्लेस करते हैं, क्या क्या ऐसा क्लीनिंग करते हैं बॉडी में, कहाँ कहाँ हम ग्रीस लगाते हैं, वो सब सारे इस वीडियो में हमने डिटेल दिया है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।